केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा 31 मई को लॉकडाउन समाप्त किया था एवं कार्य को सुचारू रूप से चलाने, लोगों को अपने कार्य पर एवं उपयुक्त उद्योग क्षेत्रों में वापस लेने के लिए गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद जेपी प्रबंधन द्वारा करीब 2500 श्रमिकों को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं जब श्रमिक संगठन एवं शासन द्वारा दबाव बनाया गया तो कई टुकड़ों में करीब 2000 श्रमिकों को काम पर वापस लिया गया और अभी भी करीब 500 श्रमिक मजदूर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही लगातार 6 माह से इन श्रमिकों द्वारा अपनी पूरी जमा पूंजी जीवन यापन में उपयोग कर समाप्त कर दी गई। अब इनके सामने जीवन मरण की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद आज सीटू के बैनर तले सीमेंट मजदूर एकता यूनियन द्वारा श्रमिकों को वापस लेने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया। वहीं इस धरने में अब छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हो अपने माता पिता को वापस लेने कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं अध्यक्ष राम नरेश द्विवेदी से जानकारी के अंश बताएं भैया, आज ये किन मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस संगठन से आए हैं आप लोग? ये एक्चुअली जो है जेपी प्रबंधन, जो भी कॉर्पोरेट है अपने यहाँ पे जेपी एक मिनट, जो कोरोना के बाद से जो ये दिक्कत भी उपजी है उसके अगेंस्ट हम लोग जो है आज यहाँ पे बैठे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद जो भी सरकार की मंशा थी वो सरकार की मंशा उल्टी पड़ गई और उसके अगेंस्ट जो है हमारा पूरा का पूरा जो मजदूर वर्ग है पूरा मजदूर भूखों मरने की कगार पे हो गया। 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने से जो प्रबंधन है प्रबंधन ने कुछ भी नहीं किया, ना तो पगार दी ना ही काम पे वापस बुलाया। कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ आज 8 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, कलेक्टर सांसद विधायक प्रबंधन सबको उठा उठा के एक एक करके अल्टरनेट उनको ज्ञापन दे रहे हैं, पर उसमें थोड़ा सा उनको फतेह मिली है। 400-600 लोगों को लिया है प्रबंधन और आज की डेट में आज भी 425 लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो आज उनके अगेंस्ट जो हमारे मजदूर भाई हैं उन्हीं के साथ में हम सब यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये हमारे कलेक्टर महोदय जो प्रशासनिक अमला है यहाँ इनके पास भी हम 5-6 बार दे चुके हैं ज्ञापन और आज हम ये उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि ये अभी जो हमारा प्रबंधन है उसके पास जाएंगे, उसको बुलाएंगे और जो हमारी ये दुख है हमारा जो कष्ट है मजदूरों को वापस लेने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कराएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं साथ में जी, ये सब के बच्चे अपने हैं, अपने मजदूरों के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे आए हैं। इन बच्चों का क्या दोष है अगर 8 महीने से इनकी स्कूल बंद है, इनकी फीसें नहीं जमा हो रही हैं, इनके माता पिता जो है भूखों मरने की गार पे आ गए हैं, इन बच्चों का दोष नहीं है। इन बच्चों से सिर्फ यही उम्मीद है, ये यही लेके आए हैं अल्टीमेटम कि महोदय जो प्रशासनिक हैं यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं इनको ये बताने के लिए दिखाने के लिए कि साहब देखिए ये जो आई है विडम्बना जो आई है जो विपत्ति आई है देश में तो हमारा तो कोई रोल नहीं है, लेकिन हम लोग भूख मरने की कगार पे क्यों हैं? तो हमारा जो दुख है हमारे दुख को दूर करें और उसमें जो भी बनता है लीगल अनलीगल जो भी प्रक्रिया है तो हमारे प्रबंधन से थोड़ा दबाव बना के और काम करने के लिए इनको प्रेरित करें और ये काम करें, इनको मजदूरों को वापस। कितने कर्मचारी बचे हैं जो अभी तक? अभी 425 के कर्मचारी लगभग बचे हुए हैं। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम राम नरेश द्विवेदी है।